अम्मी जी मेरी पूरी जज्बाती हो चुकी हैं अभी. हम लोग हमारी आज की लास्ट स्क्रीनिंग थी और इट्स गोइंग वेरी गुड. आई एम वेरी ग्लैड लोगों को फिल्म जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा पसंद आ रही है. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड सो इज अम्मी जी. एवरीथिंग अम्मी बताएंगी. अम्मी तो अम्मी और मैं हम लोग एंग्जाइटी नर्वसनेस रहती है बट वो प्रोसेस है. आई थिंक हमने अभी डिसाइड किया कि हम एंजॉय करेंगे इस प्रोसेस को पर नहीं हो रहा है पर कहीं ना कहीं नर्वसनेस है. दैट्स हाउ इट इज. कहना चाहूँगा कि आई केम हियर टू विश आमिर. आमिर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, इज फैमिली टू मी एंड इज अ फैंटास्टिक एक्टर. इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर एंड मैं उसकी हर पिक्चर देखता हूँ और उसके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हर उसकी पिक्चर कामयाब हो. आज मैं पिक्चर नहीं देख पाया लेकिन दिवाली के बाद यही लाइट बॉक्स में देखूँगा. Fantastic film for a new director. He's written it himself. Everybody's performed fantastically. The new girl, every actor, absolutely brilliant. We wish more such films are made. And thanks to Amir, we are going to see such films in future too. I hope he keeps up doing such good films. I'm speechless. It's a wonderful movie, and it's about mother and daughter. And this film is all for mothers and daughters. And fantastic. And hats off to Amir. I have to just say ke, it's been a really long time jab, since I've cried like this in a film. बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और फनी भी है. एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट 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 वॉच. सीक्रेट सुपरस्टार इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड पैशन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. सो एवरीबॉडी शुड मस्ट वॉच इट. आमिर खान इज़ अ जीनियस. मैंने उनसे कहा है कि आई थिंक इज अ फनीएस्ट पर्सन अलाइव. ही इज़ सो गुड इन द फिल्म. बट एक्चुअली मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, आपको फिल्म जाके देखना चाहिए. बट ही इज़ जस्ट अ जीनियस बिकॉज ऑल्सो ही इज़ फाउंड अ फिल्म लाइक दिस एंड ही इज़ पुशिंग द डायरेक्टर अद्वैत. फैबुलस जॉब फॉर हिज फर्स्ट फिल्म. इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. आई थिंक मेरी प्यारी अम्मी, दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अभी द सॉन्ग्स आई डोंट नो द फुल नेम्स बट वैन यू सी द फिल्म सारे गाने इतने खूबसूरत है बिकॉज दे ऑल गो विद द फिल्म, यू नो द पिक्चराइजेशन एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. हाँ भी अभी मैं घर जाके सो रही हूँ, मेरे को कल शूट है बट टुमारो आई विल पार्टी विद दिवाली. हैप्पी दिवाली. आई थिंक अब तक की जो मैंने पिक्चरें देखी हैं साल की, आई थिंक ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है. आई मीन आई कॉन्ट गेट ओवर इट स्टिल. अभी इतनी इमोशनल है, इतनी खूबसूरत है, हंसाती है, रुलाती है, परफॉर्मेंसेज आर आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म आई हैव सीन. आमिर खान ने हमेशा अपना कमाल दिखाया एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लेकिन इस फिल्म की जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और ही है. सबका काम टेरिफिक है और ये डायरेक्टर अद्वैत जो है, आई थिंक बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतनी खूबसूरती से उसने फिल्म को पिरोया है, इस फिल्म को ब्लेंड किया है इमोशनली. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा श्रेय मिलेगा. आई लाइक द एंटायर एवरी बिट ऑफ दिस फिल्म इज़ ब्यूटिफुल. आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब ये बहुत खूबसूरत दिवाली ऑफरिंग है और सब जाके अपने परिवार समेत ये फिल्म को देखें. बहुत अच्छी, इट्स सच अ टचिंग, सच एन इमोशनल फिल्म. दिल खुश हो गया. कुछ ऐसी फिल्में होती हैं ना जो दे जस्ट मूव यू. ये दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स एंड यू नो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. इतने खूब परफॉर्मेंसेस, एवरीवन इन द फिल्म इज सो परफेक्ट एंड आई एम स्पीचलेस. आई थिंक हाँ, अरे सुपर, ही इज टू फनी इन द फिल्म. बहुत मज़ा आया एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर देखकर. उन्होंने पता नहीं कहाँ से इनको ऐसे निभाया है क्योंकि ऐसे लग रहा है कुछ, आप भी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इन्होंने यहाँ वहाँ से कुछ कुछ लोगों को एक्चुअली उसमें एक में मिक्स कर दिया है. बट बहुत मज़ा आया. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट कैरेक्टर्स. वो आपने उनसे नहीं पूछा तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ अगर मेरे प्रोड्यूसर नहीं कह रहे हैं. रिलीज तो 3 नवंबर को है. स्टेटस ये है कि आप जितने क्यूरियस अभी है तब तक भी उतने क्यूरियस रहे.
तो 3 नवंबर को मिलते हैं थिएटर्स में। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पिक्चर कल रिलीज हो रही है। वैसे तो हमेशा आमिर खान बहुत बढ़िया बढ़िया थीम लेकर, बहुत अच्छा संदेश लेकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, यानी एक नए आयाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और फिल्मों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त संदेश देते हैं, जैसा कि दंगल में देखा आपने, तारे ज़मीन पर देखी आपने, आपने उनके 3 इडियट्स देखी, बहुत सारी फिल्में, ये इसमें नयापन है। ये फिल्म जो भी हमने देखी है कल, चूँकि इसका जनरल रिलीज़ है, लेकिन ये फिल्म में सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपने देखेंगे नहीं तो सपनों को साकार कैसे करेंगे, तो इसलिए सपनों को साकार करने के लिए जैसे आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन को अपना रास्ता चुनने का पूरा अख्तियार है, और जब चुनती है तो अपने सपनों को साकार करते हुए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसको आप देखते हैं बहुत इस ग्रिपिंग फिल्म में, ये इमोशन से भरी हुई इस फिल्म में, इसमें जिस तरह से स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इमोशंस को, डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को और कमिटमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई है, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पेश किया है। ख़ासकर की हीरोइन जो है जायरा, और जायरा के साथ साथ दूसरी हीरोइन जिन्होंने माँ का रोल किया है, मेहर विज, बहुत ही बढ़िया काम किया इसने। वो लड़का राज है, एक अच्छा कलाकार है, और राज की शक्ल तो खैर आप में से किसी से मिलती जुलती भी है, बहुत बढ़िया काम किया। यानी और खैर आमिर खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चिराग दिखाने वाली बात होगी। आमिर खान तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, और इसमें बहुत नए तरीके से अपने को पेश किया है, जो बहुत अच्छा भी लगता है और काफ़ी इंटरटेनिंग भी है। मैं इस फिल्म की सफलता के लिए आमिर खान को बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और इसकी सफलता के लिए, इस फिल्म का सीक्रेट सुपरस्टार के लिए मैं सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली दिल खोलकर दुआ करता हूँ कि बहुत फिल्म कामयाब हो। शुक्रिया। बिल्कुल, जब मैं मतलब इस फिल्म में थोड़ा सा कैमियो किया और फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द फिल्म, और मैं तभी भी इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी टचिंग फिल्म, इतनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही होगी ये फिल्म, और आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में कमाल की फिल्म हुई है, जिस तरह की एक्टिंग हुई है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पूरे फिल्म में, इट्स म्यूज़िक बेस्ड फिल्म, अगर वो गानों में वो बात नहीं होती तो फिर मतलब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं बनती। सो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज टू अमित त्रिवेदी, कौसर मुनीम, द वंडरफुल वॉइस, द गर्ल जो बच्ची गाई है, शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। वाकई में लगता है कि एकदम दिल से आवाज़ आई है, और इट्स सो वाकई में अच्छी ये गाने। मैं जब ऐसी ऑडियो सुन रहा था उतना शायद समझ में नहीं आया, मैं हूँ कौन बहुत अच्छा लगा था बाकी गाने, लेकिन अब जब फिल्म में देखा सो एब्सोल्युटली परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ऑफकोर्स शक्ति कुमार इज किलिंग इट, और हाँ जी, अभी उनके एक्टिंग के बारे में अब छोटी में बड़ी बात हो जाती है, उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जो उनका तो कमाल है ही, और बहुत अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं, और टिपिकल लाउड ऐसे मतलब काफ़ी 2-3 कैरेक्टर्स मन में आ रहे हैं कि कौन हो सकते हैं ये बाय द वे, लेकिन इट्स नॉट क्लियरली एनीवन। लेकिन इवन मोर देन दैट, जो मम्मी का रोल प्ले किया है, डैडी का रोल, इंसिया का रोल, एब्सोल्युटली फैबुलस। चिंतन तो सुपर हिट कैरेक्टर है, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर।